नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कोर्स दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको इस हफ्ते कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें पलानी स्वामी को अन्ना द्रमुक के अंतरिम महासचिव के रूप में बने रहने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस आदेश का ओ पनीर सेल्वम और पलानी स्वामी के बीच विवाद को लेकर हाई कोर्ट में चल रहे मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 11 जुलाई को AIADMK जनरल काउंसिल ने पलानी स्वामी को पार्टी का अंतरिम महासचिव नियुक्त किया था। बैठक में कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर पदों को भी रद्द कर दिया गया। इससे पहले कोऑर्डिनेटर का पद ओ पनीर सेल्वम के पास था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इरोड ईस्ट उपचुनाव से ठीक पहले आया है जो AIADM के लिए महत्वपूर्ण है। AIADMK पार्टी विवाद से संबंधित मामलों में ओ पनीर सेल्वम को मायूसी हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पलानी स्वामी को अंतरिम महासचिव के पद पर बहाल रखने के मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने वाली ओ पनीर सेल्वम की याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया है कि उसकी टिप्पणियां उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों से संबंधित हैं और उनका ओ पनीर सेल्वम और पलानी स्वामी के बीच विवादों के संबंध में उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन या अभियोग आवेदनों को अनुमति देने के लिए आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 11 जुलाई को हुए AIADMK जनरल काउंसिल की बैठक को वैध माना है। इसी के साथ कोर्ट ने पलानी स्वामी को AIADMK के अंतरिम महासचिव बनाए रखने के फैसले को भी बरकरार रखा है। अदालत ने मुकदमे में फैसला करने के लिए अन्य सभी मुद्दों को खुला छोड़ दिया है। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि उसने 11 जुलाई 2022 की सामान्य परिषद की बैठक की वैधता के संबंध में विवाद को निपटाया नहीं है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने 12 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित 2 सितंबर 2022 के आदेश के खिलाफ ओ पनीर सेल्वम द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसने AIADMK के नेतृत्व के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए एकल पीठ के आदेश को पलटा था क्योंकि ये 11 जुलाई को पार्टी के अंतरिम महासचिव के रूप में पलानी स्वामी के चुनाव से पहले अस्तित्व में था। एकल पीठ ने पाया था कि उप नियमों के अनुसार सामान्य परिषद की बैठकें केवल OPS और ESP दोनों की संयुक्त सहमति से बुलाई जा सकती हैं। हालांकि डिवीजन बेंच ने यथास्थिति के लिए अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया यह देखने के बाद कि यह गतिरोध को जन्म देगा क्योंकि दोनों नेताओं के संयुक्त रूप से कार्य करने की कोई संभावना नहीं थी। मामले की जड़ पिछले साल 11 जुलाई को पार्टी की आम परिषद की बैठक तक है। उस बैठक में AIADMK कार्यकारी परिषद ने पूर्व मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी को पार्टी के अंतरिम महासचिव के रूप में नियुक्त किया और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण ओ पनीर सेल्वम को पार्टी से निष्कासित कर दिया। ओ पनीर सेल्वम की ओर से सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्ण कुमार और रंजीत कुमार ने एकल पीठ के आदेश की बहाली के लिए तर्क दिया।
कि यह पार्टी के उपनियमों के अनुसार पारित किया गया था, जो आम बैठक आयोजित करने के लिए दोनों नेताओं की संयुक्त सहमति को अनिवार्य करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर तलाक या बेवफाई मामले में बच्चे के पितृत्व को साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट कराना उचित है या नहीं, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक के मामलों में डीएनए टेस्ट के आदेश रूटीन तरीके से नहीं दिए जाने चाहिए, सिर्फ व्यभिचार के संदेह के आधार पर ही डीएनए टेस्ट की इजाजत देना उचित नहीं है। बच्चे को मानसिक आघात भी इससे पहुंचता है। कोर्ट ने कहा कि अदालतें पारिवारिक मामले में सिर्फ व्यभिचार के संदेह पर डीएनए टेस्ट का आदेश ना दें, बल्कि तथ्यों को जांचने के बाद ही इसकी इजाजत दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि बेवफाई के आरोप वाले वैवाहिक विवादों में बच्चे की डीएनए टेस्टिंग को बेवफाई स्थापित करने के शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे निजता के अधिकार में हस्तक्षेप हो सकता है और मानसिक आघात भी पहुंच सकता है। न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा, ऐसे मामलों में अदालत के लिए यांत्रिक रूप से बच्चे की डीएनए टेस्टिंग का आदेश देना न्यायोचित नहीं होगा, जिसमें बच्चा प्रत्यक्ष रूप से मुद्दा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि किसी एक पक्ष ने पितृत्व के तथ्य पर विवाद खड़ा किया है, अदालत को विवाद का समाधान करने के लिए डीएनए या किसी ऐसे अन्य टेस्ट का आदेश नहीं दे देना चाहिए। दोनों पक्षों को पितृत्व के तथ्य को साबित करने या खारिज करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। पक्षों को पितृत्व के तथ्य को साबित करने या खारिज करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, और केवल अगर अदालत को इस तरह के साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना असंभव लगता है या इस मुद्दे में विवाद को डीएनए परीक्षण के बिना हल नहीं किया जा सकता, तो ये निर्देश दे सकता है, अन्यथा नहीं। पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक महिला की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें परिवार अदालत के उस निर्देश की पुष्टि की गई थी, उसके दो बच्चों में से एक को तलाक की कार्यवाही में किसी एक अन्य व्यक्ति के साथ संबंध का आरोप लगाने वाले उसके पति की याचिका पर डीएनए परीक्षण कराना चाहिए। इसमें कहा गया है कि व्यभिचार को साबित करने के साधन के रूप में डीएनए परीक्षण का निर्देश देते हुए अदालत को व्यभिचार से पैदा हुए बच्चों पर इसके परिणामों के प्रति सचेत रहना है, जिसमें विरासत से संबंधित परिणाम, सामाजिक कलंक आदि शामिल है। मामले में पति ने एक निजी प्रयोगशाला में डीएनए परीक्षण कराया था, जिसमें बच्चे के पितृत्व की संभावना शून्य थी। आदमी को यकीन था कि बच्चे का जन्म उसकी पत्नी के व्यभिचारी संबंधों के परिणाम स्वरूप हुआ है। हालांकि तलाक के लिए एक आधार के रूप में बेवफाई के अपने विवाद को साबित करने के लिए डीएनए परीक्षण करना आवश्यक था, जिससे पता चलेगा कि वो बच्चे का पिता नहीं था। शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि डीएनए परीक्षण का उपयोग बेवफाई को स्थापित करने के लिए एक शॉर्टकट के रूप में नहीं किया जा सकता है, जो एक दशक पहले या बच्चे के जन्म के बाद हुआ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज़। और उधर मोरबी ब्रिज हादसे के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख मुआवजा देने का अंतरिम आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने घायलों को 2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी को उचित मुआवजा मिलेगा। वहीं कोर्ट ने उन अनाथ बच्चों के नामों की लिस्ट मांगी है, जिन्होंने मोरबी हादसे में अपने माता पिता दोनों को खो दिया। उधर निजी ठेकेदार कंपनी द्वारा मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। गुजरात मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात हाईकोर्ट ने पीड़ितों को राहत दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2022 में 135 लोगों की जान लेने वाली मोरबी ब्रिज ढहने की घटना को लेकर स्वतः संज्ञान जनहित याचिका से संबंधित चल रही सुनवाई में अंतरिम आदेश में मेसर्स अजंता को प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस संदीप एन भट्ट की पीठ ने मेसर्स अजंता को घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। पीठ ने ये आदेश अजंता समूह के प्रबंध निदेशक द्वारा
2000 करोड़ रुपए का भुगतान करने के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद आदेश पारित किया। घटना के पीड़ितों को अंतरिम मुआवजे के मामले में सुनवाई के दौरान राज्य ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य द्वारा मृतक के परिजनों को 8 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। पीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए का भुगतान किया गया। राज्य ने उन योजनाओं को भी निर्दिष्ट किया जिनके तहत बच्चों को मुआवजा प्रदान किया जा रहा है। मोरबी ब्रिज त्रासदी में अपने माता पिता दोनों को खो देने वाले बच्चों पर राज्य की दलीलों का संज्ञान लिया। अपने आदेश में अदालत ने निजी ठेकेदार मैसर्स अजंता द्वारा किए गए सबमिशन को भी दर्ज किया कि उसने घटना के सभी 135 पीड़ितों को 5 करोड़ रुपए का भुगतान करने का फैसला किया और ये सबमिशन किया कि वो 7 अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी जब तक वे बालिग नहीं हो जाते और अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर लेते और उन्हें नौकरी दिलाने में भी मदद करेंगे। इसके अलावा न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी ध्यान दिया जिसमें ये कहा गया कि इस तरह की त्रासदियों में निजी पक्ष को मुआवजे का 55% अपनी जेब से देना होगा और शेष 45% राज्य निधि से भुगतान किया जाना चाहिए। नतीजतन ये देखते हुए कि अंतरिम मुआवजे के अनुदान के स्तर पर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रायलों का पालन करने की जरूरत है। पीठ ने मैसर्स अजंता को प्रत्येक मृतक अथवा पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 2-2 लाख रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने निजी ठेकेदार द्वारा मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कंपनी को राशि 4 सप्ताह के भीतर अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। कथित विवादित बयान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मंगलवार तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने के निर्देश दिए हैं। सभी एफआईआर को साथ जोड़ने पर यूपी और असम राज्यों की पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को प्रधानमंत्री पर दिया गया बयान सुनाया गया। इस पर सीजेआई ने पूछा कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला कैसे। पवन खेड़ा को गुरुवार को बेहद नाटकीय तरीके से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। खेड़ा को आईजीआई एयरपोर्ट से असम पुलिस के अधिकारियों ने तब गिरफ्तार किया। कथित विवादित बयान मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली है। खेड़ा को दिल्ली हवाई अड्डे से असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और एमआर शाह की पीठ ने की। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और असम राज्यों से उन राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को जोड़ने के लिए खेड़ा की प्रार्थना पर प्रतिक्रिया मांगी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कोर्ट पवन खेड़ा को मंगलवार तक अंतरिम जमानत दे। साथ ही कोर्ट ने याचिका पर सीमित सुनवाई मंजूर की। सभी एफआईआर के क्लब करने पर नोटिस जारी कर दिया है। खेड़ा के खिलाफ उत्तर प्रदेश और असम में एफआईआर दर्ज है। पुलिस अब पवन खेड़ा को असम नहीं ले जा पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की क्षेत्राधिकार वाली कोर्ट अंतरिम जमानत दे, मंगलवार तक अंतरिम जमानत दी जाए। खेड़ा को संरक्षण के लिए आदेश जारी कर रहे हैं। खेड़ा निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल करे। उत्तर प्रदेश और असम में दर्ज एफआईआर एक साथ जोड़ने पर सोमवार को सुनवाई करेंगे। सिंघवी ने सुनवाई के दौरान कहा, जो पवन खेड़ा ने कहा वो नहीं कहना चाहिए था। मैं मानता हूँ उन्होंने खुद माना कि जुबान फिसल गई थी। उन्होंने माफी भी मांगी थी, उनको रिहा करने के आदेश दिए जाएं, अदालत उनको संरक्षण दे। देश में किसी भी राजनीतिक बयानबाजी पर ये गंभीर केस नहीं लगाए जा सकते। ये अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। गिरफ्तारी में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। खेड़ा ने जो अपराध किया है उसमें 3 और 5 साल की अधिकतम सजा है। सीजीआई ने कहा कि हम सभी एफआईआर को एक राज्य में निर्धारित कर देते हैं ताकि वे राहत के लिए हाई कोर्ट जा सके। इस स्टेज पर हम एफआईआर रद्द नहीं कर सकते। इस दौरान प्रधानमंत्री पर दिया गया बयान सुनाया गया। इस पर सीजीआई ने पूछा कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला कैसे।
इससे पहले सिग्मी ने सीजीआई को सूचित किया कि खेड़ा दिल्ली हवाई अड्डे से सुबह 11 बजे उड़ान भरने वाले थे, लेकिन उन्हें विमान से उतार दिया गया। प्रधानमंत्री के बारे में उनके द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर असम, लखनऊ और वाराणसी में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई है। खेड़ा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और 153 बी के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से विवादित बयानों का अनुमोदन नहीं करते हैं, लेकिन वाराणसी, लखनऊ और असम की एफआईआर को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट पर हुए विवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में अदालत की समिति पर अपना फैसला सुनाए जाने तक अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोकने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में अडानी ग्रुप को लेकर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मीडिया की कवरेज पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने 24 फरवरी को इस याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो मीडिया पर रोक नहीं लगा सकते, हम केवल इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। ये याचिका वकील एमएल शर्मा की तरफ से दायर की गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से पब्लिश रिपोर्ट के संबंध में 4 याचिकाओं के बैच में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसमें अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप को 100 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ था। याचिका दायर करने वाले वकील एमएल शर्मा ने सेबी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच करने और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की है। इसके साथ ही शर्मा ने लिस्टेड कंपनियों से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स को रोकने के लिए एक गैग आदेश भी मांगा था। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस पारदीवाला की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले 17 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि अदालत अपने दम पर एक समिति नियुक्त करेगी, क्योंकि सरकार के सीलबंद कवर सुझाव को स्वीकार करने से ये आभास हो सकता है कि ये सरकार की तरफ से नियुक्त की गई समिति है। इसीलिए कोर्ट ने सीलबंद कवर में दिए गए सुझाव को भी खारिज कर दिया था। 4 याचिकाकर्ताओं में से अधिवक्ता एमएल शर्मा भी एक हैं। उन्होंने सेबी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच करने और प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। कांग्रेस नेता ठाकुर ने अपनी याचिका में आरोपों के आलोक में अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ शीर्ष अदालत के एक मौजूदा न्यायाधीश की देखरेख में जांच की मांग की है। 4 जनहित याचिका में धोखाधड़ी और शेयर की कीमतों में हेरफेर के आरोपों के बाद अडानी समूह के खिलाफ एक पैनल या शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की देखरेख में कई केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा जांच की मांग की गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा व्यापार समूह के खिलाफ धोखाधड़ी, लेन देन और शेयर कीमत में हेरफेर सहित कई आरोपों के बाद अडानी समूह के शेयरों ने शेयर बाजार पर दबाव डाला है। अडानी समूह ने आरोपों को झूठ बताते हुए खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि ये सभी कानूनों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों से जुड़े संवैधानिक मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। मामला स्पीकर की शक्ति और दल बदल, विलय और अयोग्यता से संबंधित है। सुनवाई के दौरान उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राजनीतिक संकट में राज्यपाल की कार्यवाही असंवैधानिक रही है। सिब्बल ने यह भी कहा कि आयोग बुनियादी सिद्धांतों की अवहेलना नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित याचिकाओं पर वर्तमान में सुनवाई कर रही है। इस पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली
और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस राजनीतिक संकट में राज्यपाल की कार्रवाई असंवैधानिक रही है। सीनियर एडवोकेट का तर्क था कि राज्यपाल को कानून में किसी राजनीतिक दल के बागी विधायकों को पहचानने और उनके कार्यों को वैध बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये पहचानने की शक्ति कि कौन राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता है चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने तर्क दिया कि तथ्य ये है कि राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को ऑडियंस दिया और उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि नबाम रेबिया के फैसले के अनुसार राज्यपाल के पास केवल संविधान के अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 356 के तहत उत्पन्न स्थितियों में विवेकाधीन शक्तियां हैं और उन मामलों में जहां चुनाव के बाद सरकार का गठन प्रारंभिक चरण में था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सीनियर एडवोकेट सिब्बल से एक प्रश्न पूछा कि क्या राज्य के राज्यपाल विश्वास प्रस्ताव की मांग कर सकते हैं यदि विधायकों का एक समूह अयोग्य हो गया है और सदन में अपनी सीट खो दी है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा, मान लीजिए कि विधायकों का एक समूह अयोग्यता का शिकार हो जाता है, अयोग्यता की सीमा तक सदन की शक्ति गिर जाती है, इस मामले में बहुमत की आवश्यकता होती है, तो क्या ऐसे मामले में राज्यपाल का ये कहना न्यायोचित होगा कि मुझे अब भी विश्वास मत चाहिए। सिब्बल ने तर्क दिया कि ऐसे परिदृश्य में राज्यपाल को विश्वास मत हासिल करने के लिए नहीं बल्कि सदन के लोगों को राज्यपाल से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि सदन के नेता ने बहुमत खो दिया है जब कोई उनसे संपर्क करता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुझाव दिया कि विपक्ष और दल बदलू विधायक दोनों राज्यपाल से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन सिब्बल ने ये कहते हुए असहमति जताई कि वे ऐसा नहीं कर सकते। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने अपनी दलीलें जारी रखते हुए राज्यपाल के कार्यों को अनुचित बताते हुए आलोचना की और कहा, सरकार न गिरे ये सुनिश्चित करने का तरीका अविश्वास प्रस्ताव लाना है, वे क्यों नहीं चले, उनके लिए एकमात्र रास्ता ये था कि ये साजिश बहुत पहले रची गई थी। ये कहते हुए कि राज्यपाल के लिए ये पूछना आवश्यक है कि विद्रोही किस दल के थे, उन्होंने कहा, आपने गौर किया है कि गोगा वले को असम के व्हिप के रूप में नियुक्त किया गया था, व्हिप को इस तरह से नियुक्त नहीं किया जा सकता है, स्पीकर गोगा वले को मान्यता देते हैं फिर विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी किया जाता है। सीनियर वकील ने भारत के चुनाव आयोग के कार्यों पर भी आपत्ति जताई जिसमें उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा, आयोग बुनियादी सिद्धांतों की अवहेलना नहीं कर सकता, ये याचिका 19 जुलाई को दायर की गई है और कार्यवाही 27 जुलाई की है, यही उन्होंने दाखिल किया है। 19 जुलाई को वे नहीं जान सकते थे कि 27 तारीख को क्या होगा और मिनट बना लेते हैं। ईसीआई के पास ये दो दस्तावेज है, अगर संस्थागत निर्णय लेने की प्रक्रिया में इस तरह की हेराफेरी की जाती है तो मैं नहीं जानता हम कहां जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सियासी संकट में दल बदल स्पीकर की शक्तियों जैसे मामले पर सुनवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।